हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर भारत मानिक व्लॉग्स पर। और आज के दिन मैं मुंबई में सीएसटी स्टेशन से उतरकर आपको नरीमन पॉइंट की ओर लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आपको मरीन ड्राइव भी दिखाऊंगा और जो मुंबई में कुछ है जैसा बॉम्बे हाई कोर्ट, ये भी दिखाऊंगा। मैं बस में हूँ दोस्तों और बस से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। मुंबई सीएसटी ये सेंट्रल लाइन का मेन स्टेशन है, यहीं से ही सभी जगह जाने के लिए लोकल ट्रेन निकलती है और यहीं पर आके रुकती है। और देखिए, अभी मैं नरीमन पॉइंट की तरफ आ गया और अभी ये आगे जा रहा हूँ। ये आपको दिखा रहा हूँ, जो आप सामने देख रहे हो ये मरीन ड्राइव है दोस्तों। अभी देखिए, मैं सड़क पार करके उस तरह तरफ जाता हूँ और आपको क्लियरली थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी इस वक्त तो यहाँ पर इतना क्राउड नहीं है, मगर अगर आप मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम पर आओगे तो आपको बहुत ही यहाँ पर क्राउड देखने को मिलेगा। हर लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जॉगिंग के लिए आते हैं, एक्सरसाइज के लिए आते हैं और मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए भी यहाँ पर आते हैं। ये देखिए समुद्र, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से बहुत पानी है। ये देखिए, देख सकते हो आप, यहाँ पर सभी आकर बैठते हैं इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम पर। इवनिंग का नज़ारा बहुत अच्छा यहाँ का होता है दोस्तों। तो आप कभी भी मुंबई आपका आना होता हो तो आप यहाँ पर आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। देखिए, आज के गर्मी भी बहुत है और बारिश आने जैसा थोड़ा मौसम हुआ था, मगर वापस से धूप आ गई है। अभी देखते हैं, मैं भी बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आया हूँ। मैं मुंबई ही रहता हूँ, मगर टाइम ही नहीं मिल पाता है कि कभी यहाँ पर आऊँ। और घूमने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मगर जैसा मुझे वक्त मिलता है तो मैं कुछ वीडियो निकाल लेता हूँ और शेयर करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। देखिए, अभी ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये द ओबेरॉय होटल है, जो कि बैक साइड से है। इसका फ्रंट से भी मैं आपको दिखाऊंगा होटल एंट्रेंस। अभी देखिए, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अभी ये फ्रंट से मैं आपको दिखा रहा हूँ द ओबेरॉय होटल। ये देखिए, ये सब एंट्रेंस है यहाँ पर। दोस्तों, ये जो एरिया है पूरा नरीमन पॉइंट एरिया है और यहाँ ये बहुत पॉश एरिया है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस है, बैंक्स ऑफिस है। ये देखिए, अभी DBS आपको दिखाई दे रहा है सामने। सभी बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस यहाँ पर बसे हुए हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए, अभी आप सामने देख सकते हो आइनॉक्स है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के जो हेड ऑफिस होते हैं वो यहाँ पर ही है नरीमन पॉइंट में। अभी देखिए, ये जो बिल्डिंग आपको देखिए पीछे दिख रही है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस है मेन नरीमन पॉइंट में। और ये देखिए आप सामने से मैं गुजर रहा हूँ, ये विधान भवन है। देखिए, यहाँ पर अभी काम चल रहा है विधान भवन का।
थोड़ा यहाँ से और हम कवर करते हैं। देखिए विधान भवन, ये SBI बिल्डिंग है। और यहाँ पर अभी मेट्रो का भी काम चल रहा है। ये सामने देख सकते हो द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनका बड़ा ऑफिस है यहाँ पर। अभी बस में देखिए सामने आप देख पा रहे होंगे तो मंत्रालय है सामने। क्लियर से ले नहीं पाया मैं वीडियो। अभी आगे की ओर से बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए इसी रास्ते से मैं आया था, अभी इसी रास्ते से जो आते वक्त दूसरा रास्ता होता है बस का रूट, और जाते वक्त बस का रूट अलग होता है। तो मैं यहाँ से बीच में उतर जाऊँगा जैसे ही अपना बॉम्बे हाईकोर्ट आता है और मुंबई यूनिवर्सिटी आता है, उस जगह पर उतर जाऊँगा। थोड़े वहाँ की भी मैं वीडियो ले लेता हूँ। देखिए सामने ये जो आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मुंबई विद्यापीठ, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ये देखिए जूम भी किया, मुंबई विद्यापीठ। अभी यहाँ से भी थोड़ा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और अभी हम देखिए यहाँ पर मैं आया हूँ, मेरे अपोजिट साइड में बॉम्बे हाई कोर्ट है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ से, ये देखिए आप देख सकते हो। और यहाँ पर नेम भी लिखा हुआ, देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट। ये बॉम्बे हाई कोर्ट है। अभी और से थोड़ा आगे जाते हैं दोस्तों। यहाँ मुंबई में अगर आप आते हो तो यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ जगह है। जैसा कि आज तो मैं बस यही एरिया कवर कर रहा हूँ, मगर यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया है, वहाँ पर आप जाओगे तो आपको वहाँ पर ताज होटल भी देखने को मिलेगा और वहाँ का मार्केट भी आप घूम सकते हो। यहाँ पर आप पैदल जितना घूमोगे उतना आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वैसे बसेस भी बहुत चलती है, AC बस अवेलेबल है मेन CST स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलते हो तो। ये देखिए आपको सामने मैं दिखा रहा हूँ जो बिल्डिंग वाइट कलर में, आपने देखा होगा बहुत से न्यूज़ चैनल में तो आता ही है, मूवीज़ में भी देखा होगा आपने। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग है दोस्तों, जो मूवीज़ में भी आपने देखा होगा। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे आगे जो जा रहे हैं ये फोर्ट एरिया है। ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का बिल्डिंग है बड़ा। अभी यहाँ से भी हम आगे की ओर निकलते हैं थोड़ा। ये देखिए मुंबई समाचार बिल्डिंग। और देखिए फोर्ट के रास्ते से पैदल चलते चलते अभी हम मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे पहुँच गए, मीन्स CST स्टेशन पर पहुंच गए। ये बाहर का जो है रास्ता वो है दोस्तों, ये मेन टर्मिनल से। यहाँ से बहुत से एक्सप्रेस, मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी यहाँ से छूटती है। और जो कि जितनी भी लोकल ट्रेन है वेस्टर्न लाइन में जाने वाली हो और हमारे सेंट्रल लाइन में, वो भी यहाँ से ही निकलती है। तो अभी मुझे भी ट्रेन पकड़ना है, मुझे भी अभी घर के लिए निकलना है। तो देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर भी लिखे हुए हैं कहाँ से कहाँ तक लोकल ट्रेन है, और जो एक्सप्रेस ट्रेन का है 15, 16, 17, 18 ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ये अपने मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए है। दोस्तों यहाँ से आप मेन सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन और हार्बर लाइन हर जगह पे जा सकते हो। हर जगह के लिए यहाँ पर आपको ट्रेन मिलेगी। अभी धीरे धीरे यहाँ पर रश होता है इवनिंग टाइम पर। ये देखिए ट्रेन लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए भीड़ होना शुरू है।
यहाँ का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है दोस्तों, देखिए पूरे डिस्प्ले लगा है और कौन सा ट्रेन कहाँ पर आएगा, ये अनाउंसमेंट भी यहाँ पर होता है। और अभी मेरा ट्रेन भी 7 नंबर पे बता रहा है कि मेरा 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाला है, तो मैं भी अभी ट्रेन पकड़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए कितना सुंदर प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हो। चलो अभी मैं भी निकला हूँ यहाँ से, और देखिए मेरी ट्रेन आ चुकी है, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, 7 नंबर की प्लेटफॉर्म की तरफ मैं जब बढ़ रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये देखिए 7 नंबर प्लेटफॉर्म मेरे राइट हैंड पे दिखाई दे रहा है, जो कि वहाँ पे ट्रेन आकर खड़ी हुई है, और हॉर्न भी ये दिया है, तो थोड़ा मुझे जल्दी भागना होगा नहीं तो मेरी ये ट्रेन छूट जाएगी। दोस्तों मैं ट्रेन में चढ़ तो चुका हूँ, चलो खड़े रहने के लिए तो जगह मिल ही गई है मुझे। तो दोस्तों मेरा ये चैनल आपको कैसा लगता है, और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।